जी अली खान। अच्छा सर, क्या पोजीशन है सर? पोजीशन तो ये वन है, आप सुनाए। मधुए कितनी है? बहुत है। लाइसेंस भी बहुत है। बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पे सात गरीब तरीके कॉलोनी है, पहले तो यहाँ पे कार बंद घूस जाए, प्रभाव हो जाए। उधर का सात कौन सी गरीब तरीके का, कौन सी है वो, आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद बेटी के पास, टुरपादे के पास लेफ्ट साइड पे, टॉप सिटी है, कैपिटल है, कौन सी है? टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी है, बताए। टॉप तो एयरपोर्ट पे है ना? टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे है ना। मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको, मैं मुझे मिला हुआ है, वो मिला हुआ है नक्शा। मैं आपने बंदे और सामान रेडी रखे आप? ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, बस रास्ते में इंशाल्लाह। जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने वजीर दाखला राना सनाउल्ला की जारी करदा मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द अमल का इजहार किया है। अली अमीन का कहना था कि हमें धमकियां दी जा रही हैं कि ये आए तो सही, हम मारेंगे। वजीर दाखला कहते हैं, हमने ड्रोन्स लिए हुए हैं, हमने भी फिर चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं। उनका कहना था कि पुरअमन एहतजाज पर मारेंगे, क्या उनके पास जान से मारने का लाइसेंस है? राना सनाउल्ला, तुम जेम्स बॉन्ड नहीं, अवाम के पैसे पर पलने वाले वजीर हो, अगर हमें मारोगे तो क्या हम हार लेकर खड़े होंगे? उन्होंने कहा कि तुम अगर हमला करोगे तो हमारे जवाब के लिए भी तैयार रहो, हम आज़ादी के लिए निकले हैं और आज़ादी लेकर रहेंगे। ख्याल रहे कि अली अमीन गंडापुर की बंदूकें और बंदे लाने की एक शख्स से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक हुई है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर की ऑडियो सुनाई, जिसमें वो एक शख्स से बंदूकें और बंदे लाने का कह रहे हैं।